श्रीकाल जी, अज असी मां की दाल दे टोटा, मां की दाल का टोटा हुंदा छिलके वाली, असी उहदे भल्ले बनावांगे। असी ये रात दे भे के रखे हुए सी, 300 ग्राम दाल सी, फुल के ये ज़्यादा हो गई है हुण, तो असी हुण इहनू पीवांगे, ग्रैंडर च पा के पीवांगे दाल नू। असी दाल पी के रख ली आ, जिहड़ी असी भेती सी रात दी दाल असी पी ली सारी। हुण असी इहदे विच लूण मसाला पावांगे, पहलां थोड़ी जी हरी मिर्च पावांगे। लूण मसाला अपने हिसाब नाल ही पाउणा आ। थोड़ा जिहा अदरक पेस्ट पावांगे, स्वाद अनुसार ही पाउणा आ। थोड़ा जिहा जीरा मसाला, थोड़ी जी काली मिर्च, थोड़ी जी लाल मिर्च, थोड़ी जिहा धनिया मसाला, नमक, थोड़ी जिहा असीं नींबू करांगे, निचोड़ांगे इच। हुण असीं इहनूं मिक्स कर लवांगे। दो चमचे असी करियाटी भी पावांगे। मां दी दाल दे भल्ले बहुत स्वाद बनते, तुसी घर विच बना सकते। इहनू टाइम जरूर लगता पर स्वाद बहुत बनते आ। जो छिलके वाली दाल हुंदी इह तां करारे जे बन जांदे आ, छिलके करके। छिलके तुसी उहदा रख भी सकदे, इहदे विचों कढ भी सकदे आ। बहुत ना रखो, थोड़े रख लो, बाकी तुसी साफ करके कढ दो। उहदा तां बाजार तों भी मिलदी पीसी इहदी मां दी, पर घर बना के कुछ होर अलग ही गल हुंदी आ, अलग ही स्वाद हुंदा इहदा। मिक्स कर लेना चंगी तरह। असी 2 मिंट इहनू इदे रहन देना, 2 मिंट बाद बनावांगे। असी अग बाल के कड़ाई च तेल रखिया सी गरम, साडा तेल गरम देखिए हो गया कि नहीं।
तेल साडा गर्म हो गया, हम असी भले पावे। इधर मार हाथ ते इदा माड़ा जिहा पानी ला के तो पतले पतले छटने हैं। सारे इदे हौली हौली पाई जाने हाथ ना, इको जे पाने सारे। हुण इहनू हिलावांगे, फुल्लण भी लग पए साडे भल्ले। किन्ने नरम हो गए आ, नरम नरम ज्यादा सोहणे लगदे आ भल्ले। खाण च भी देखण च भी वधिया लगदे आ। देखियो किद्दा सोहणे सोहणे फुल गए आ। बाजार नालों तुसीं घर विच बना सकदे आ आसान तरीके नाल। बाजार जे तां हथ गंदे मंदे लगे हुंदे, तुसीं घर साफ सुथरे सफाई नाल कर सकदे काम कोई भी आ। घर टाइम जरूर लगता पर चीज सफाई की होंगी आ। असी बहुत सेक तेज नहीं करना, ये हिसाब का सेक रखना, ना बहुता तेज ना घट रखना आ। ये फिर बिचों तो ये बिचों कच्चे रह जाते, बाहरों सड़ जाते। असी मीडियम सेक ते रखना इन्हों।
ਭੱਲੇ ਸਾਡੇ ਰੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਛਾਣਨੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਛਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸੇਕ ਅੱਧੇ ਸੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧੇ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਭੱਲੇ ਅਸੀਂ ਭੇ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਦੀਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੱਲੇ ਭੇਤੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਾਂਗੇ। ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਚੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਦੀ। ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ।
सारे असी निचोड़ लिया। देखियो आ तेल के तेल वाला पानी सारा किदा तेल जिहा विच चल गया पानी दे, असी हुण इहनू डोल दवांगे। हुण असी इहदे विच ठंडा पानी पावांगे। एक बार फिर ठंडे पानी च पावांगे। ठंडे ठंडे भल्ले स्वाद लगते हैं, जे नहीं ठंडे होंदे तुसी बर्फ की डली भी बेच सिट सकते हैं। भल्ले तो ठंडे ही स्वाद लगते ज़्यादा करके। हुण असीं 5 मिनट रखांगे, 5 मिनट बाद बाहर कढ लवांगे इहनू। असीं ठंडे पानी च भल्ले रखे, साढ़े 5 मिनट हो गए, असीं इहनू निचोड़ लवांगे फिर एक बारी। किद्दां नरम हो गए आ एकदम। नरम भल्ले उदा भी वैसे भी सोहने लगते हैं, नाले खाण च भी स्वाद टेस्टी टेस्ट वधिया आउंदा आ। बहुत औखे नहीं है गे, पर टाइम जरूर लगता है इनू। आ असी हरी चटनी बना के तैयार कर ली सी, आ लाल चटनी आ दही थोड़ा जिहा असी बनाया सीगा, तो हुण असी इहनू गार्निश करांगे भल्लिआं नू। पहला असी दही पावांगे, दही ज़्यादा ही स्वाद लगता इन्हां भल्लिआं च। फिर असी लाल चटनी पावांगे, फिर हरी पावांगे असी चटनी, थोड़ी जिहा उत्ते चाट मसाला पावांगे। थोड़ी जिही लाल मिर्च पावांगे, स्वाद अनुसार ही पाउणा, बहुत तिखा नहीं। थोड़ी पीसिया धनिया पावांगे, साडा भल्ले बन के तैयार हो गए आ, हुण तुसीं खा सकदे आ।